हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल अपनी रसोई बाय रितु। आज मैं आपके लिए पोटैटो चीज़ बॉल की रेसिपी लेकर आई हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए यहां पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं को हम सबसे पहले मैश करेंगे। आलू मैश हो जाने के बाद इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, दो टेबल स्पून हरी धनिया, दो हरी मिर्च, 1 टीस्पून अदरक, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप चीज़। इन सबको हम आलू में अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीज़ों के अच्छे से मिल जाने के बाद हम इस आलू में से थोड़ा सा आलू लेंगे और इसको हम एक बॉल का शेप देंगे। बॉल का शेप बनने के बाद हम इस आलू में बीचों बीच में एक चीज़ क्यूब रख देंगे और उसको कवर कर देंगे। इस तरह से हमारी ये बॉल तैयार हो जाती है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स अपनी बना लेंगे। फिर इस बॉल को हम 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पेस्ट में डिप करेंगे। अच्छे से डिप कर लेने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से हमने जितनी भी बॉल्स तैयार करी हैं उन सब के ऊपर हम अपना ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ बॉल तैयार हो जाती है। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। इन्हें हमें तब तक डीप फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। फ्राई होने के बाद इन्हें हम निकालेंगे। इस तरह से हमारी ये पोटैटो चीज़ बॉल तैयार हो जाती है। तो आप भी घर में कोई भी पार्टी हो इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।